ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और अलग अलग जगहों से क्या इस वक्त नजारा है एक बार फिर से आपको दिखाएंगे। चलिए इसी क्रम में रतीश का रुख करते हैं, कानपुर चलते हैं और वहां क्या तस्वीरें हैं देखिए। अब धीरे धीरे वक्त बहुत नजदीक आ रहा है, रतीश क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए व्रती महिलाएं जो हैं वो जो व्रती महिलाएं हैं वो पानी में उतर गई हैं, जो नहर है अरमापुर की, और यहाँ पर अब केवल भगवान भास्कर का ही इंतजार है। जिस घड़ी का इंतजार था अब वो आने वाली है, क्योंकि अब कुछ ही मिनटों में जो सूर्योदय का वक्त है 6:25 के आसपास का वो हो चुका है, और अब अपनी पूजा के जो सूप है वो लेकर के पानी में उतरी हुई है। कतारबद्ध तरीके से देखा जा सकता है। अभी हमने देखा कि इससे पहले सिंदूर लगाया गया, सिंदूर के बाद हाथों में उपटन दिया गया और उसके साथ हाथों में पान और पुष्प रखे गए। अब उसके बाद पूरा सूप जो है वो लेकर के, यानी अर्घ की जो परंपरा है उसका निर्वहन करने के लिए जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, जो जो महिलाएं हैं, व्रती महिलाएं हैं, जो इस घड़ी का इंतज़ार कर रही थी, अब बस इंतज़ार खत्म होने वाला है। और दीपक जलाकर जो हम देख पा रहे हैं सूप में नारियल है, संतरा है, सिंघाड़ा है, तमाम जो फल और सब्जियां हैं, केला है, ये तमाम ऐसे चीज़ें जो भगवान को अर्घ में चढ़ाई जाती हैं और अर्घ देने की परंपरा जो है उसका निर्वहन किया जाता है। ये एक कतार है पूरी इस तरीके की महिलाओं की, व्रती महिलाओं की, और अब इंतजार जो काफी लंबा इंतजार होता है, कठोर तपस्या होती है, वो अब खत्म होने वाला है। परिजन भी पूरा साथ देते हैं, पूरा परिवार इकट्ठा होता है और इस कठोर तपस्या में व्रती महिलाओं के साथ खड़ा रहता है और इस पूजा को इस पूरी विधि विधान से संपन्न कराने में पूरा सहयोग देता है। दूसरी तरफ की आपको तस्वीर दिखाएं कि हम जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ढोल पर बजरंग बली दिख रहे हैं, दूर उस पार अगर बात की जाए तो ढोल पर बजरंग बली है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं लोग, पटाखे फोड़ रहे हैं, क्योंकि उस घड़ी का इंतजार वो घड़ी आ चुकी है, इंतजार अब खत्म हो चुका है। महिलाएं उतर चुकी हैं जल में और अब वो साफ सफाई के साथ जो पूरा 4 दिन का जो महापर्व चलता है उस घड़ी का इंतजार है, वो घड़ी आ चुकी है। अब सूर्यदेव दर्शन देंगे और उसके बाद अर्घ दे करके इस परंपरा का निर्वहन किया जाएगा, यानी इसके बाद जो व्रती महिलाएं हैं वो अपनी परंपरा का निर्वहन करने के बाद अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करेंगी छठी मैया से, भगवान भास्कर से, और इसके बाद ये छठ का जो महापर्व है वो खत्म होगा। लेकिन इसके बाद प्रसाद, जो खास तौर पर प्रसाद बनाया जाता है, ठेकुआ और टिकरी, उसको भी ग्रहण किया जाएगा। जो पुरुष हैं, घर के पुरुष हैं, वो भी व्रती महिलाओं के साथ ही जो परंपराएं होती हैं उनका निर्वहन करने के लिए हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और अपनी परंपराओं का, जो अर्घ देने की परंपरा होती है, उसका निर्वहन करने के लिए तैयार हैं। बस कुछ ही पलों का इंतजार है और कुछ ही पलों बाद अर्घ दिया जाएगा भगवान भास्कर को, और उसके बाद आप लोगों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। हाँ, बस 2 मिनट और शेष बचे हुए हैं, बस अब सूर्य भगवान जैसे ही उगेंगे हम लोग अर्घ देना चालू कर देंगे और छठ मैया की विदाई कर देंगे। कठोर तपस्या की गई है घर की महिलाओं के द्वारा, आप लोग भी पूरा सहयोग देते हैं? जी, पूरा परिवार इसमें सहयोग करता है, बच्चों से लेकर के आदमियों से लेकर के, और महिलाएं तो खैर 3-4 दिन बहुत कठिन व्रत करती हैं और हम लोग को भी खुशी होती है। ये बड़ी खुशी का ही त्यौहार है। बिल्कुल खुशी का त्यौहार है। देखिए सबके हाथों में, आपको तस्वीरें ही इसमें बहुत अहम है, वो तस्वीरें ही दिखा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही पलों का इंतजार है और जल देने का देने की जो परंपरा है, अर्घ देने की जो परंपरा है वो अब संपन्न होने वाली है। कुछ ही पलों के इंतजार के बाद ये शुरू हो जाएगा और आप देखिए कि बड़ी ही मनमोहक दृश्य से कहेंगे कि छठी मैया के लिए जो तपस्या की जाती है, 4 दिन के महापर्व की जो तपस्या की जाती है, वो घड़ी अब आ चुकी है। सभी ने पूरी रात जाग करके माँ के गान किए हैं, गीत गाए हैं और माँ की महिमा को जाना है, और परिवार के जो युवा होते हैं उनको बताया है कि कितना ही विशेष महत्व होता है इस पूजा का। कठोर तपस्या के बाद फल प्राप्ति होती है, माताएं बहनें संतान की प्राप्ति के लिए छठी मैया की तपस्या करती हैं, व्रत करती हैं, पूजा करती हैं, विधि विधान से नियम संयम का काफ़ी ध्यान रखा जाता है और साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, और उसके बाद ही ये घड़ी आती है। ये तस्वीरें हैं घाट की, जहाँ की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अब पूरे परिवार को और सभी जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं उनको इंतजार है उस पल का कि सूर्यदेव दर्शन दें और उसके बाद अर्घ की जो परंपरा है उसको संपन्न कराया जा सके। जी
दूर बगल में नहीं, दूर जाओ, खास होता है। और चलिए अब हम रुक कर लेते हैं नोएडा का। हमारे सहयोगी बलराम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं नोएडा में भी किस तरीके की खूबसूरत छटा है। बलराम अभी तस्वीरें दिखाइए, वहां पे तो अर्घ देना शुरू कर चुके होंगे लोग। बिल्कुल, हम नोएडा के सेक्टर 71 में मौजूद हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की तस्वीरें यहां पर हैं। आप देखिए, जहां तक नजर जाएगी आपको सिर्फ छठ माई के भक्त ही नजर आएंगे। और आप देखिए कि किस तरीके से घाट में महिलाएं पुरुष उतर चुके हैं, जो बर्ती हैं वो उतर चुके हैं, बस इंतजार है सूर्य देवता के निकलने का, उसके बाद उन्हें अर्घ दे के अपने व्रत का समापन करेंगे। आपको बता दें स्नेहलता की 6:40 का मुहूर्त है जब यहां पर पूजा अर्चना शुरू होगी और उसके बाद यहां पर उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और फिर इनके व्रत का समापन होगा। आप देखिए भारी तादाद में यहां पर भक्तगण पहुंचे हुए हैं और धीरे धीरे जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है और लगातार आप देखिए कि घाट पर किस तरीके का रेला आपको नजर आएगा भक्तों का। और आप देखिए कि धीरे धीरे यहां पर भीड़ इस कदर बढ़ रही है कि लोगों को खड़े होने में भी दिक्कत हो रही है और लगातार स्थिति यही बनती जा रही है कि आने वाले वक्त में लग रहा है कि लोगों को रोकना पड़ेगा कि पहले जो भक्त मौजूद हैं वो पूजा कर लें, उसके बाद दूसरे लोग आएं। यानी यहां पर भीड़ काफी ज्यादा है। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनसे कि आखिरकार जो आप लोगों की पूजा है वो कब से प्रारंभ होगी। क्या नाम है आपका? कितने बजे से आप लोगों की पूजा प्रारंभ होगी बताइए। 6:40 में है। 6:40 से? हाँ। अच्छा, पूजा में क्या क्या करना होगा आप लोगों को? पूजा में अभी अब हाथ उठाएंगे। हाँ। और सूर्य भगवान के जल देंगे। हाँ। और उसके बाद अब बाहर निकल के अब पूजा पाठ फिर ऊपर में भी करेंगे। हाँ। फिर गोर लग के अब अपना जो करना होगा वो करेंगे भगवान के नाम से बस। अच्छा, समापन कैसे करेंगे आप लोग? समापन ऊपर में जाएंगे तो फिर हम लोग गर्म पानी से गुड़ अदरक मुँह में डाल के तो व्रत तोड़ते हैं। अच्छा, आपसे हम वो जो समापन में आप लोग गीत गाते हैं छठ माई का वो सुनना चाहेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक भी घर में बैठे हैं तो कम से कम आपके गीत के जरिए वो भी आपकी आस्था से जुड़ सके। जी जी, पूजे के लबज पड़ले गाँव दसे ओ पर सुगम रे ओ पर सुगम उजे मर बउरे सुग बदनु ससे सुग गिरे मुर जाय सुग गिरे जय उजे सुगनी जे रबले बीरोग से आदित हो न सदित हो न सर। तो आपने देखा स्नेहलता कि किस तरीके से भक्ति में डूबा हुआ है ये पूरा जन सैलाब। और देखिए कि यहाँ पर आप नजारा देख सकते हैं कि किस तरीके से छठ माई के भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। ये नोएडा का सेक्टर 71 है और लगभग 20 सालों से यहाँ पर छठ माई का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो भक्त हैं वो कितनी तादाद में पहुंचे हुए हैं और स्थिति यह है कि यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं है और लोग गीत गुनगुना रहे हैं छठ माई का। जो भक्त हैं, जो बर्ती है वो गीत गुनगुना रहे हैं और उन्हीं की हम बात सुनेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। ताओ भोरे बिना सार आज दीना उगल हो दीना था लग आताना देर बाटाई में मिला लाई गे या बाला गे यांदा
राग है या बिल्कुल। बलराम अपनी इसी संस्कृति पर गर्व करता है हर